नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्राफाइट पेंसिल के डिफरेंट शेड्स। अभी मेरे पास है फैबर कैसल के शेडिंग पेंसिल्स। दोस्तों आप देख सकते हो इन पेंसिल पे लिखा होता है 2B, 3B, 4B, 5B, 6B। यहाँ पे बी का मतलब होता है ब्लैकनेस, अगर पेंसिल पे नंबर के आगे लिखा हो एच तो उसका मतलब होता है हार्डनेस। अगर आपको डार्कर वैल्यू चाहिए तो आप 2B से 6B तक मूव सकते हैं। अगर आपको लाइटर वैल्यू चाहिए तो आप 2H, 3H, 4H ऐसे हायर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अभी हम 2H पेंसिल यूज़ कर रहे हैं जिससे हमें बहुत लाइट शेड मिलेगी। और हमें सेम प्रेशर में सारे शेडिंग करने हैं ताकि हम डिफरेंस जान सकें। HB पेंसिल हमें सेम प्रेशर देना है। प्रेशर चेंज किया तो हमें डिफरेंस नहीं पता चलेगा। बी पेंसिल टू बी पेंसिल फोर बी पेंसिल सिक्स बी पेंसिल। दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जैसे हम नंबर इंक्रीज करेंगे वैसे हमें डार्क वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। नाउ यू कैन सी वी आर गेटिंग अ डार्कर वैल्यूज। मेरे पास फैबर कैसल की 8B पेंसिल नहीं थी इसलिए मैं कैमलिन की 8B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। 6B और 8B पेंसिल बहुत डार्क वैल्यूज़ देती है इसलिए हम इन्हें जनरली हेयर या फिर आईज़ डार्कर शेड के लिए यूज़ करते हैं। अब हम चारकोल पेंसिल्स का शेड देखेंगे। मेरे पास कैमलिन के चारकोल पेंसिल्स है, 3 टाइप्स के, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। हार्ड चारकोल हमें लाइटर वैल्यूज़ देता है। मीडियम चारकोल हमें मीडियम वैल्यूज़ देता है जो कि सॉफ्ट चारकोल से थोड़ा कम डार्क रहता है और हार्ड चारकोल से ज़्यादा, न्यूट्रल वी कैन से। सॉफ्ट चारकोल ये मेरी फेवरेट पेंसिल है। ऑलमोस्ट ऑल पोर्ट्रेट में मैं सॉफ्ट चारकोल का यूज़ करता हूँ। हेयर, आईज, शेडोज, बैकग्राउंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क वैल्यूज है वहाँ पर हम सॉफ्ट चारकोल यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर 2H से लेकर सॉफ्ट चारकोल तक हमने पेंसिल के शेड्स देखे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।